गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम कविता चहल असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फिजी कॉलेज सेक्टर फोर्टीन पंचकूला टूडे आई विल डिस्कस अबाउट डी कार्बोक्शलेन ऑफ एसिड वट डू मीन्स बाई डी कार्बोक्शलेन डिकार्बोक्शलेसन मीन्स रिमूवल ऑफ सीओ टू गैस फ्रॉम कार्बोजलिक एसिड सोल्ट डिकार्बोक्शलेशन दो तरह से कर सकते हैं डी कार्बोक्शलेशन बाई यूजिंग लाइन एंड कोल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट डी डिकार्बोक्शलेशन बाई लाइम। इन दिस रिएक्शन सोडियम एसिडेट इज हीटेड विद सोडा लाइम, वी विल गेट मिथेन एंड सोडियम कार्बोनेट सोडियम एसिडेट रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडा लाइम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इन दोनों के मिक्सर को हम बोलते हैं लाइम अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है सोडियम एसीटेट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से सोडियम कार्बोनेट है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा मिथेन तो हम क्या देख रहे हैं इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है उसमें एक कार्बन रिएक्टेंट से कम हो जाता है क्योंकि यहां से CO2 टू गैस है वो निकल जाती है अल्काइल ग्रुप से हमें क्या बनता है अल्केन इस तरह से अगर हम सोडियम ब्यूटेनोइट अगर लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा प्रोपेन नेक्स्ट इज कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस इन दिस रिएक्शन एक्वर सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ एसिटेट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस वी विल गेट इथेन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ये हमारे साइड प्रोडक्ट होंगे में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा एल्केन तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं रिएक्टेंट में जो अल्काइल ग्रुप है उससे हमें डबल नंबर में अल्किन मिलेगा डबल नंबर का डबल कार्बन का हमें अल्किन मिलता है हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है जिसके अंदर हम सोडियम एसीटेट एंड वाटर लेते हैं एज ए कैटली एज ए इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं एक एनोड और एक कैथोड एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और कैथोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव एट एनोड एनोड के ऊपर क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर एनाइनिक जो स्पेसीज हैं वो मूव करेंगे एनोड पर एनाइनिक स्पेसीज में एसिटेट आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा तो यहाँ पर एसिटेट आयन है वो क्या करेगा ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और हमें मिलेगा इथेन एंड सी ओ टू गैस है वो लिबरेट होएगी एट कैथोड कैथोड के ऊपर कौन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज यानी कि सोडियम आयन एंड एच पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो एच पॉजिटिव आयन का कम होता है तो इसलिए एच पॉजिटिव आयन है उसका रिडक्शन हो जाएगा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन दो एच पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होगी सोल्यूशन के अंदर सोडियम और पोटासम आयन है वो मिलकर क्या बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैकेनिज्म ऑफ कोल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है ये रिएक्शन एनोड एनोड के ऊपर एसीटेट आयन जाएगा और दो एसिटेट आयन है तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ओड इलेक्ट्रॉन और ये ओड इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इसलिए ये जो कार्बन है वो यहाँ से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में होमो होमोलिटिक क्लीवेज होएगी और एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ जाएगा और इस ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और सी ओ टू गैस है वो निकल जाती है इस तरह से ये जो मिथाइल है वो हमें रेडिकल फॉर्म में मिलेगा दो मोलिकल हैं तो दो रेडिकल होंगे और दो रेडिकल हैं वो क्या करेंगे अब इलेक्ट्रॉन का से आपस में बॉन्ड बना लेंगे रेडिकल रेडिकल के बीच में और हमें मिलेगा इथेन एट एनोड एनोड के ऊपर एस पॉजिटिव आयन जाएगा और दो एस पॉजिटिव आयन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेंगे दो एस पॉजिटिव आयन और क्या बन जाएगा दो हाइड्रोजन एटम जो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे हाइड्रोजन गैस तो हम देखते हैं कि एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस सेलिब्रेट हो रही है और कैथोड के ऊपर सॉरी कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है एनोड के ऊपर CO2 टू गैस और इथेन बनेगा और अब सोल्यूशन के अंदर दो सोडियम आयन बच गए और दो हाइड्रोक्साइड आयन वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड थैंक यू